व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो भाई, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ट्रिप कंफर्म हो चुका है, बस उसकी शॉपिंग चल रही है। तो कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, तो कुछ चीज़ें हमने परचेज कर ली हैं। तो बस उसी में से दो प्रोडक्ट हैं, नंबर एक Realme 8 और ये हेलमेट। तो इन दो प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसको कर देते हैं साइड। सबसे पहले बात करते हैं हेलमेट। तो वही जो हेलमेट है वो स्ट्रिड कंपनी का है, और स्ट्रिड कंपनी आपको पता ही है, वो अच्छी खासी ब्रांड है। और भाई जो इसकी MRP है 1995 इस पे MRP पड़ी हुई है, और साइज है ये XL। और भाई साइड से देखिए, इसमें जो पीछे है सबसे बढ़िया है, जो पीछे है इसमें दो ये एयर पासिंग के लिए है, इसमें जो थोड़ा होल टाइप ही है ये, और दो इसमें ऊपर दिए हैं ये, यहाँ पे इसको आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं दोनों साइड। ये भी एयर के लिए है, और एक इसमें आगे दिया है यहाँ पे, ये भी एयर पासिंग के लिए। और काफ़ी बढ़िया है यार, बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। तो भाई ये जो मेरे को पड़ा है ये 1700 रुपये के आसपास मेरे को पड़ा है, क्योंकि कुछ परसेंट इसमें लेस भी पड़ा है मेरे को। बाकी भाई अंदर से नीचे की साइड इसमें ये रबड़िंग टाइप है, और अंदर इसमें फोम है, तो काफ़ी बढ़िया है ये अंदर से। और भाई तो ट्रिप में मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ भी किया है ट्रिप के लिए मैंने परचेज़ किया है। इसको करते हैं साइड और बात करते हैं Realme 8 की। तो भाई वैसे तो ये अनबॉक्स मैंने कर दिया था शॉप पे ही, क्योंकि कलर वलर तो देखना ही होता है यार। तो बस अभी मैं आपको इसके फीचर्स और इसका प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रिप के लिए ही मैंने ये परचेज़ किया है। इससे पहले मैं जो यूज़ कर रहा था वो वीवो कंपनी का यूज़ कर रहा था, और वो मैं लगभग 3 साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ। 3 साल पहले था, तो उसमें कुछ फीचर्स जो हैं कुछ नहीं थे और कुछ पुराने हो चुके थे, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। तो वही ये मैंने किया ओपन, और सबसे पहले तो है इसका कवर, जो आजकल कवर आ रहे हैं साथ में। और उसके बाद आता है फ़ोन, ये इसका ऐसे ही रखा हुआ है। इसके बाद है फ़ोन, और इसके बाद है चार्जर। इसकी जो पावर है वो है 5 वोल्ट और 6 एम्पियर मैक्सिमम 6 एम्पियर। तो इसको ले सकते हैं। और इसके बाद है केबल सी टाइप, अब ये खाली है। तो वही चार्जर और उसके तो करते हैं साइड, अभी आते हैं सीधा फोन पे। तो वही जो कलर है इसका वो ब्लैक है, ब्लैक कलर है। और चार इसमें कैमरे हैं, जो है 64, 8, 2 और 2। और जो फ्रंट कैमरा है वो है इसका 16 मेगापिक्सल। और जो भाई इसमें बैटरी है 5000 mAh की इसकी बैटरी है, 8 GB इसकी रैम है, और 128 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है। और जो इसका प्रोसेसर है वो है G95, और बाकी तो और छोटा मोटा जो भी है इसमें होता है। क्योंकि मेरे को जो मेन है, मेरे को उसका कैमरा चाहिए जो मेन है, और रैम चाहिए और इंटरनल मेमोरी। तो अब मैं इसके कुछ आपको फुटेज दिखाने वाला हूँ, डे लाइट में भी और लो लाइट में भी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो भाई धूप है जो बहुत ही ख़तरनाक है, और अभी मैं हूँ सूरज के सामने, सूरज फ्रंट में है। और जो उसका कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, और उसी से मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तो अभी ये कलर ये दे रहा है अभी। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो कैमरा है उसको सामने लाता हूँ सूरज को, तब देखते हैं क्या कलर ये करता है इसका। और सूरज मेरे पीछे हैं, तो कलर ठीक ठाक है, इतना भी बुरा नहीं है इस प्राइस में जितने का फ़ोन है। और बाकी जो रिव्यू है इसका, रिव्यू मैं करूँगा इसको ट्रिप से आने के बाद। और
लगभग 15 दिन के बाद मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। टोटली मैं आपको बताने वाला हूँ कैसा बिहेवियर है इसका फ़ोन का और कैमरे का। मेन मेरे को कैमरा ही चाहिए था और रैम और स्टोरेज वो मेरे को मिली है 8128 है ये। तो भाई अब शूट करते हैं स्लो मोशन और कुछ पिक्चर्स लेते हैं और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने की भी कोशिश करेंगे। तो भाई ये कुछ फुटेज थी फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा से। तो अभी क्या है यार, कुछ एसेसरीज बाकी हैं, एक दो एसेसरीज अभी बाकी हैं, वो आने के बाद एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं टोटल जो हम लोग कैंपिंग में एसेसरीज यूज़ करने वाले हैं। और बहुत ही जल्द वीडियो आने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे वीडियो में, ठीक है। तो भाई इस वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। तो जिस बंदे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। तो तब तक के लिए बाय बाय।